हेलो बेटा, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। आज आप ज्ञान रिश्मा पंजाबी व्याकरण का फिफ्थ चैप्टर करांगे, पार्ट पांच, शब्द बोध। बेटा पिछले चैप्टर से विच आप पहला धुनिया बारे पढ़िया सी। धुनिया नू लिखन लई अक्षरां दा प्रयोग किया जाता है। बेटा फिर अक्षरां दे नाल कुछ लगा मात्रा ते लगाखर लगते हैं, तो यह सारे अक्षरां दे नाल लगा मात्रा लगाखर लगा के अपना एक शब्द तैयार होंदा है। ठीक है, शब्द जो आपां बोलते हाँ, शब्द जिमें मम्मा एक अक्षर है, उस नाल होड़ा लग गया, यह एक लगा मात्रा है। रारा, मम्मे नू होड़ा रारा की बन गया, मोर। इस तरह दूसरा शब्द है लल्ला अदक, जो कि एक लगाखर है। तत्ता कन्ना उपर बिंदी लत्तां। ठीक है बेटा, इस तरह यह शब्द मोर लत्तां अखर अखरां लगा मात्रा ते लगाखरां तीन चीज़ां दे सुमेल तो बनता है। ठीक है, तो आप शब्द किसनू कह सकते हाँ? अखरां लगा अते लगा मात्रा दे सुमेल नाल शब्द बनते हैं। ठीक है, उस तो बाद आ जाता बेटा शब्द बोध। शब्द बोध किसनू कहते हैं? व्याकरण के जिस भाग विच, व्याकरण के जिस भाग विच शब्दों की रचना, शब्द तो पता है किवें बनते हैं, शब्दों की रचना किवें होंदी है, उन्हां दी वंड किवें होंदी है, तो उन्हां दा रूपांतर किवें होंदा, यानी कि एक मेन शब्द तो दूसरे शब्द के विच किवें जाया जाता है, उन्हां दे सारे प्रयोग किवें होंदे हन, ये सब की जानकारी जिस तो आपां नूं मिलदी है उसनूं आपां शब्द बोध कहिंदे हां। ठीक है बेटा, व्याकरण का वह भाग जिहड़ा सानू शब्द रचना, शब्द वंड ते शब्दां दे रूपांतर बारे जानकारी दिंदा है, उसनूं आपां शब्द बोध कहिंदे हां। इस तो बाद आ जाता है शब्दों दी किस्मां किन्नियां होंदियां ने। शब्द तां तुहानूं पता लग गया कि अक्षरां लगा मात्रा ते लगाखरां दे सुमेल तो बनते हैं, तो शब्दों दी किन्नियां किस्मां होंदियां हन बेटा? सब तो पहला हैगा सार्थक शब्द, तो दूसरा हैगा निरार्थक शब्द। शब्दों दी किन्नियां किस्मां हन? सार्थक शब्द ते निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द की होंदे हन बेटा? सार्थक जिन्हां दा कोई अपना अर्थ होंदा है, अर्थ जिन्हां दा कोई मतलब होंदा है। पंजाबी विच जिहड़े शब्दों दा कोई अर्थ होंदा है उन्हां नूं आपां सार्थक शब्द कहिंदे हां। जिवें मेज़, जलंधर, किताब, आदमी, मुंडा, कुड़ी, कोई भी शब्द जिहड़े आपां वरतदे हां उन्हां दा कोई अर्थ होंदा है बेटा, उन्हां नूं आपां सार्थक शब्द कहिंदे हां। निरार्थक शब्द, निरार्थक जिहड़ी शब्द अर्थ तों बिना, जिहड़े शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं हुंदा ते ओहो सार्थक शब्दों के ही नाल आके अर्थां दा विस्तार करते हैं, उन्होंने निरार्थक शब्द कहा जाता है। जिवें आप आम बोलन दे विच इन्हां निरार्थक शब्दों का उपयोग करते हैं, जिवें आप कहने चाह चू। ठीक है, चाह मुख शब्द है जिहड़ा कि सार्थक है, लेकिन चू का कोई मतलब नहीं हुंदा, पर आपां आम भाषा के विच इस नूं चाह दे नाल वरतदे हाँ। कार कूर, कम कुम, ये सारे जिहड़े कुम ने, कूर है, ये सारे जिहड़े ने निरार्थक शब्द ने जिन्हां दा कोई अपना अर्थ नहीं हुंदा। इसे तरह जिवें कार कूर, कार मुख शब्द है जिहदा कोई अर्थ है, कूर का कोई अर्थ नहीं हैगा। समोसा, समोसा मुँह विच पानी आ गया ना, समोसा एक खाण वाली वस्तु है, समोसा कोई चीज़ नहीं हैगी। ठीक है, चाह चू, चू का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह बेटा जिस शब्द का कोई अर्थ हुंदा है वह सार्थक शब्द हुंदे हन, ते जिस दा अर्थ नहीं हुंदा वह सार्थक शब्दों के नाल आके उसका सिर्फ विस्तार करते हैं, उन्होंने आपां निरार्थक शब्द कहने हैं। ठीक है ना, समझ आ गई परिभाषा? बहुत ईजी है, जिन्हों का कोई अर्थ हुंदा सार्थक शब्द, जिन्हों का अर्थ नहीं हुंदा वह निरार्थक शब्द। उस तो बाद है सार्थक शब्दों की वंड किवें हुंदी है, जिन्हों का कोई अर्थ हुंदा उन्हां दी वंड किवें हुंदी है। उहदे विच बेटा आ जांदा एक तो मूल शब्द, मुख्य शब्द की होंदे ने जिहड़े, जां धातु शब्द कह दिंदे आ ना। दूसरा किहड़े शब्द आउंदे ने? रचित, जिहड़े मूल शब्दों के नाल अगेतर पिछेतर वगैरह आपां लगा के बनाने उन्हां नूं आपां रचित शब्द कहते हाँ। मूल शब्दों के विच किहड़े आ जांदे ने बेटा? जिहड़े जिवें मुंडा, कुड़ी, घोड़ा, स्कूल, ये मूल शब्द ने, पर इन्हां तों रचित शब्द किवें बन जांदे ने? घोड़े, मुंडे, ठीक है, कुड़ियाँ, ये अगे आपां मात्रा जां अगेतर पिछेतर लगा के जिहड़े शब्दों का वाधा करते हैं वह इन्हां दे रचित शब्द हो जाते हैं। ठीक है बेटा, हुण इह चैप्टर दे विच सिर्फ इन्ना ही सी, शब्द की हुंदे हन, किवें बनते हन, ते शब्द बोध की हुंदा है, सार्थक शब्द की हुंदे हन, ते निरार्थक शब्द की हुंदे हन। ठीक है,